तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। मैं आपका दोस्त शराब नैनीताल से, जो डेली देते हैं आपको जगह जगह की अपडेट। तो आज की अपडेट हमारी रहेगी नैनीताल में एक ऐसी जगह है सर जिसमें 7 गुफाएं हैं और उसका नाम है इको केव गार्डन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल में 7 गुफाएं और 7 गुफाएं में किस तरीके से आप जो निकल के जाएंगे, तो गाइस गुफा भी बोल सकते हैं, सुरंग भी बोल सकते हैं, उन सुरंगों में किस तरीके से निकल के जाना पड़ता है एक सुरंग से दूसरी सुरंग में। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। और वो जो है कहाँ पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अपनी वीडियो में। वो पड़ती है गाइस सुकाताल में, इको केव गार्डन। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको जो है लोकेशन बता दी जाएगी। अगर गाइस आप लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो सबसे पहले जो अपनी गाड़ी जो है पार्किंग सेफ लगाइएगा, नो पार्किंग में मत लगाइएगा। नो पार्किंग में लगाएंगे तो आपका जो फाइन लग सकता है। तो गाइस आप लोग नैनीताल में घूमने के नहीं आ रहे हैं, फाइन वाइन देने के नहीं आ रहे हैं, तो गाड़ी को सेफ जगह लगाइए, पार्किंग लगाइएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं नैनीताल की 7 सुरंगें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले अपने, ये है केव गार्डन। तो इसका नाम इको केव गार्डन है और इसी के अंदर जो है 7 गुफाएं हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप गुफा में जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेने पड़ेगा टिकट, और टिकट का प्राइस है बड़े लोगों का है 100 रुपये है और बच्चों का जो है 60 रुपये। सामने मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक लेके जाके, यहाँ देख सकते हैं। और यह है टिकट काउंटर, यहाँ से जो आप लोग पहले टिकट लेंगे। और इसी के सामने जो अपना पार्किंग लगी है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को स्पेस मिल रहा है तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग लगाइएगा। तो जैसे मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि अपनी गाड़ी जो है सेफ जोन में लगाइएगा। अगर आप जो नो पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी मिलेगी तो आपको जो फाइन देना पड़ेगा। और नैनीताल में आप लोग फाइन देने नहीं, घूमने के नहीं आ रहे हैं, इन्जॉय करने के नहीं आए, तो इसलिए जो है गाड़ी जो अपनी सेफ आराम से जो है पार्किंग में खड़ी करिएगा। तो यहाँ से आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद जो है अंदर की गुफाएं दिखाएंगे, अंदर गुफाएं किस किस तरीके की हैं और उन सुरंगों में कैसे कैसे निकला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आजकल जो है ना, ये देखिए जगह जगह पे आप लोगों को पीली पट्टी की बाइकें मिलती हैं। अगर गाइस आप लोग नैनीताल में घूमने के नहीं आ रहे ना, तो गाइस देखो एक तो प्राइवेट आती है और एक पीली पट्टी की आती है। तो आपको क्या है, अगर आप लोग रेंट पर पैसे दे रहे हैं तो प्राइवेट नंबर की गाड़ी मत लीजिएगा, पीली पट्टी की लिएगा। इस तरीके से देखिएगा, कोई भी गाड़ी अगर आप लोग देखेंगे ना तो इस तरह की लिएगा। अगर इस तरह की आप लोग गाड़ी देखेंगे ना तो आपको कोई भी नहीं रुकेगा, आपको चलान भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये वाली प्लेट वाली गाड़ी ली तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है परेशान होंगे, तो परेशान होने नहीं आना है, अपने नैनीताल में घूमने और इन्जॉय करने आना है। तो ये वाला रास्ता जो हमारा काला ढूंगी से आता है, काला ढूंगी से अगर आप लोग साइड आएंगे नीचे सुकाताल की तरफ को, आपको राइट साइड में ही केव गार्डन दिखेगा। तो यहाँ से अभी हम एंट्री करते हैं, मैंने टिकट को तो दिखा दी। तो यहाँ पे काफ़ी देखिए टूरिस्ट और काफ़ी भीड़ है टूरिस्टों की आज। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलते हैं। तो हमारे भैया हमेशा आपको जो यहाँ पे बताते रहेंगे टिकट चेक करने के लिए, हमारे भैया खड़े होते हैं। यहाँ से टिकट लिएगा, उसके बाद जो है हमारे भैया को टिकट चेक कराइएगा, उसके बाद आप लोग एंट्री कर सकते हैं। उसी के बाद एंट्री करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर अगर स्टैचू के साथ फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ पर जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग ये पढ़िएगा, ये पढ़ने के बाद आप लोग जो है इसका जो है पालन करना ज़रूरी है। तो अभी जो हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, सीढ़ियों से पहले मैं आपको जब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं एक लेफ्ट साइड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा पुतला दिखाऊंगा। वो पुतला किस तरीके से बोलता है चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग मत आइएगा और ज़्यादा मोटे लोगों को नहीं, भी अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो अभी अंकल आ रहे हैं हमारे, क्या कहना चाह रहे हैं अंकल? अरे अंदर तो बहुत मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए सही है, नहीं सेफ नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं हिम्मत हार गया, हिम्मत हार गया ना, सांस वालों को तो जाने दिए, बुजुर्ग को सांस वालों से तो बैठ के लेट के बोलल, 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 बैठ के लेट के बोलल। तो आप गए गुफा में? अजी मुझे जबरदस्ती ले गया वो। तो आप एक ही गुफा घूम के आएंगे ना? हाँ, एक दो दूसरे में गए ही मैंने, मेरे बस की नहीं है वापस। चलिए ठीक है ठीक है, आराम से आइए। तो गाइस जैसे अभी अंकल ने बताया, तो ज़्यादा हैवी लोग भी नहीं आ सकते हैं, ज़्यादा मोटे लोग, और सांस जिसकी फूलती है वो भी बिल्कुल मत आइएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले यहाँ पे एक पुतला जो है बोलता है। तो यहाँ से देखिएगा एंट्री होती है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खड़े होकर, अगर फोटोग्राफी करवाना है तो आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप लोग जो है गुफा के नहीं एंट्री करेंगे तो अंकल जो है आपको इस तरीके से गाइड करेंगे, जैसे अभी भैया को करा। तो टाइगर जितनी गुफाएं हैं सबके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे देखिए, एक गुफा के नहीं इधर से जाना है, एक गुफा के नहीं इधर से जाना है, और अगर बच्चों को एडवेंचर कराना है तो आप लोगों को सीढ़ी से जाना है। तो हम भी हम चलते हैं एडवेंचर के लिए। तो गाइस क्योंकि मैं जो गुफा में नहीं जा सकता, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा लचक आ गई। आज संडे का दिन था और जो लचक निकालते हैं वो संडे के दिन हमारे कयूम अंकल हैं जो इसको देखते हैं, तो आज उनकी छुट्टी थी संडे के दिन, तो इसलिए जो हम आज नहीं करा पाए, कल जो है मंडे के दिन इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। बहुत ज़्यादा जो है गैस जितनी ठंड बढ़ती जा रही है ना उतना ही मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है फुल एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं और बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी आना है केव गार्डन के अंदर गुफा में घूमने के लिए। अगर गुफा में भी नहीं जा सकते पर यहाँ पर आप जो है एक्टिविटी करना चाहें तो एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ कितनी क्यूट सी बेटी घूम रही है। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो। तो भाई गाइस बच्चों अरे गिर गए यार। तो कितनी क्यूट बैठी है यार। हेलो। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए, और यहाँ पे देखिए काफ़ी बच्चे एंजॉय कर भी रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऊपर से व्यू, तो यहाँ से आप लोग जो है किस तरीके से यहाँ नैनीताल का और सुखा ताल का व्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसको आपको जो है व्यू देखने के लिए जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, जैसे मैं अभी मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को मेरी सांस फूलते हुए नज़र आ रही होगी। तो इसी तरीके से गाड़ी गाइस जो है ना बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, कहीं कहीं पे जो है पत्थरों पे चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं फुल, यहाँ पर जो है आराम से जो है जगह जगह पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इस तरीके से, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जिप लाइनिंग करनी है, जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं। आज नैनीताल में जो है सैटरडे से कम टूरिस्ट है तो इसलिए जो है खाली पड़ा है, नहीं तो कल मैं आया था तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद जो है दो तीन गुफाएं दिखाते हैं आपको। दद्दा, तो ये हमारे दद्दा हैं, क्या हाल है आपके? और हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं दादा, क्या नाम है अपने? मुकेश भाई, इनका नाम भूल गया था। और यहाँ पे जो ये ओपन थिएटर है उसमें काम भी करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। कभी भी आप आइएगा सीजन में तो ओपन थिएटर में ज़रूर जाना, हमारे दादा जो आपको एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। वो सब बढ़िया था। तो यहाँ से आप व्यू देखिएगा, तो गाइस देख सकते हैं सुकाताल पार्किंग है और वो सुकाताल लेक है और उसी के बराबर में अपना नैनी लेक है और वो हमारी नैनीताल की वादियाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे वो सामने टावर को, आपसे व्यू की बात करें तो आप लोग व्यू देख सकते हैं, ये देखिएगा व्यू। आप लोग जो भी नेचुरल लवर हैं तो आप लोग केव गार्डन से भी व्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा दूर आप लोगों को नहीं घूमने जाना है तो केव गार्डन आ जाइए। केव गार्डन हमारा 2 किलोमीटर दूर है अपने नैनीताल माल रोड से, और यहाँ पे आके जो आप इस तरीके से व्यू देख सकते हैं और अपने मोबाइल में भी कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, ये देखिएगा। तो अभी अपनी गाड़ी सामने खड़ी है, वो है केव गार्डन की पार्किंग, और वहाँ पर एक बढ़िया सा द कैफे रेस्टोरेंट है। अगर आप लोगों को कुछ खाना है तो यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं आप लोग, अगर लंच ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ करना। और यहाँ पे बार भी है अगर रात को आप लोगों को आना है, पर 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को आना पड़ेगा क्योंकि जल्दी बहुत जल्दी बंद हो जाता है केव गार्डन के सामने ही। और गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना अच्छा लगता है, जैसा मौसम सफ़ा होता है ना उसी के साथ व्यू भी बहुत अच्छा सफ़ा होता है क्योंकि फोग नहीं लगा होता, फोग लगता तो दूर दूर का जो व्यू नज़र नहीं आता, धुंधला धुंधला सा आता है। और जैसे धुंध हटी भी होती ना तो इस तरह का व्यू आता है, ये देखिए। तो अभी हम जो इस टाइम है केव गार्डन पे हैं जिसमें 7 गुफाएं हैं, वो 7 गुफाएं किस तरह की हैं वो मेरा आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया था गाइस, मैं अभी जा नहीं सकता गुफा के अंदर क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग केव गार्डन पर आते हैं, अगर पहाड़ी ड्रेस में फ़ोटोग्राफी करवाना है तो फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग फोटोग्राफी नहीं करवाना चाहें तो इसे ड्रेस के लगते हैं 100 रुपीज़ आप लोग दिएगा और ड्रेस पहन के अपने मोबाइल में फ़ोटो ले सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिएगा। और यहाँ पे साइकिलिंग भी है, जिप साइकिलिंग भी बहुत बढ़िया यहाँ पे। और यहाँ पे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी है, अगर आप लोग रेस्टोरेंट में कुछ खाना चाहें केव गार्डन के अंदर गुफा में घूमने के बाद अगर आप लोग थक गए हैं तो इस वाले रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ गुफा कि किस तरह की से भयंकर ख़तरनाक गुफा है।
केव गार्डन, ये पूरा केव गार्डन ही है सर ये। हाँ तो गुफा नीचे से है, तो चलिए मैं आपको बाहर बाहर से दिखा दूंगा कितनी खतरनाक गुफा है। ये गाइस काफी लोग जो है गुफा में से घूम के आ रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी खतरनाक खतरनाक गुफाएं। ये देखिए इन गुफाओं में से निकल के जाना पड़ता है, ये देख रहे हो ना सुरंग, ये सुरंग है बहुत खतरनाक। और ये भैया जा रहे हैं अभी, तो भैया जो है अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं। और गाइस इसमें अकेले आप लोग बिल्कुल नहीं जा सकते ना, बहुत ही डरावनी गुफाएं यार बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दूर से, ये दूर से दिखा देते हैं आपको, अंदर तो नहीं जा सकता गाइस। तो ऐसी गुफाएं आप लोगों को देखना है तो सीधे आप लोग नैनीताल आ जाइए, उसके बाद सुकाताल केव गार्डन में आप लोग जो है गुफा में घूम सकते हैं। तो यहाँ पे ना स्पीकर लगा रखे हैं, तो जोन से भी उसकी गुफा है तो उसकी आवाज़ यहाँ पे निकलती है, तेंदुआ लेपर टाइगर किसी की भी है तो उसमें आवाज़ निकलती है। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होंगी चिड़ियों की, तो उसके अंदर चिड़ियाँ भी रहती हैं। तो चलिए मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जंगल की बात करें, जंगल इस तरह का है यहाँ पे। अगर आप लोग गुफा में नहीं घूमना चाहें तो यहाँ पे आप लोग बैठ के बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिएगा, देख सकते हैं आपको जगह जगह पे मंकी की फ़ोटो आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ। और उसी के साथ गाइज अगर कुछ खा रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वो डस्टबिन में जो है कूड़ा नहीं फेंकते हैं, इधर साइड में ही फेंक देते हैं, पर ये गलती यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आके मत करिएगा। और यहाँ पे देखिए अंकल आ रहे हैं, बाप रे इतने बुजुर्ग अंकल इस गुफा के अंदर से, बाप रे। तो भैया लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर। तो पहली गुफा में ही जा रहे हो या अभी और आ गए घूम के? अच्छा घूम के आके, अच्छा बहुत ही आराम से जाइएगा। बाय 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 बाय। तो देखिएगा ये मैडम बहुत डर रही हैं, पता है ये नहीं जा रही हैं अंदर। मैडम आप क्यों नहीं जा रही हैं? अरे नहीं बहुत अच्छा, पता बहुत एडवेंचर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, आप जाइएगा। अगर आपको जब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे आपको फील होगा गुफा के अंदर। तो मैडम को मैंने समझाया, मैडम चली गई हैं, उसके बाद हम चले गए एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक गुफाएँ, और गाइस आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी इसी तरीके से जो है इन गुफाओं के अंदर आवाज़ आती है। तो आवाज़ों से आप लोगों को डरना नहीं, क्योंकि लगे हैं माइक, तो कभी आप लोग जो है आवाज़ सुन के डर के वापस आ जाएं। जगह जगह पे हम माइक लगा रखा है, आप लोग माइक लगा रखा है आप लोगों को एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पे गाइस बेल भी था, बेल जो है आजकल हटा दिया गया है, वो ख़राब हो गया है। और यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता है गर्मी में, आप लोग आ जाइए। अरे गाइस ये देख सकते हैं, तो बेल का एडवेंचर तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। ये देखिए अभी जो कितना शांत खड़ा है, तो ये शांत क्यों खड़ा है आप लोगों को पता है? क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। अगर इसके ऊपर अभी कोई भी बैठ गया तो गाइस आपको पता है कितनी बुरी हालत कर देता है, ये आप लोग खुद जानते हैं। और इसके बाद हम करते हैं गाइस एग्ज़िट, क्योंकि एग्ज़िट कर देते हैं। गुफाएँ तो हमने आपको दिखा दी हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक ख़तरनाक तरीके की गुफाएँ हैं, छः गुफाएँ, छः से सात गुफाएँ हैं जो आपको घूमने में एक से डेढ़ घंटा लगता है, एक से डेढ़ घंटा इन गुफाओं में घूमने के लिए लगता है। आप लोग अगर जल्दी आना चाहें तो जल्दी भी आ सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा आज के ब्लॉग में मेरे, मैंने आपको किस तरह की गुफाएं दिखाई, ये नैनीताल की केव गार्डन गुफाएं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस जो मेरे चैनल पर नए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।